अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल ट्रेड सेंटर में और यहाँ पर आज हम लैपटॉप के रेट जानेंगे कि कौन कौन से लैपटॉप यहाँ इस मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन कौन से ब्रांड के यहाँ पर लैपटॉप मौजूद हैं। क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने नास प्लाज़ा में बनाई थी, उस पर बहुत अच्छे रिस्पांस आए और बहुत से लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप रीगल ट्रेड सेंटर पर जाके वहाँ पे लैपटॉप के रेट हमें बताएं। तो आइए यहाँ पे मुख्तलिफ़ डीलर के पास और मुख्तलिफ़ दुकानदारों के पास जाके हम उनसे रेट लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से लैपटॉप इधर इन लोगों के पास मौजूद हैं। आइए चलते हैं, आपके पास कौन कौन सी ब्रांड के लैपटॉप अवेलेबल हैं? ब्रदर, हमारे पास डेल, HP, लेनोवो सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। जो रेगुलर मॉडल्स हैं, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर चलने वाले मॉडल्स हैं, वो सब आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर शॉप पर मिल जाएंगे। कितनी सीरीज तक लैपटॉप आपके पास मौजूद हैं? ब्रदर, हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से लेकर आपको 6, 7, 8 जनरेशन तक सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। फर्स्ट से लेकर 8 तक मिल जाएंगे। कोई आप ऐसा पीस दिखाएं जो कोर i5 7 जनरेशन में हो डेल का। ये कौन सा लैपटॉप है आपके पास? ये है कोर i7 6 जनरेशन HP के अंदर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड ड्राइव है। HP का न्यू बिल्कुल लेटेस्ट वाला लुक है जो HP आज के 11 जनरेशन वगैरह के अंदर आ रहे हैं, उस तरह का लैपटॉप है। और ये बिल्कुल रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, USA से हम इम्पोर्ट करते हैं इसको, मतलब ये लोकल पाकिस्तानी यूज़ नहीं है। सारे इम्पोर्टेड लैपटॉप होते हैं, बाहर के चले हुए होते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं, रिपेयर नहीं हुए हुए होते हैं। इन सारी चीज़ों की हमारी वारंटी होती है। ये बताएँ ये इसके क्या रेट हैं? इसको खोलें। ये आपको लैपटॉप वैसे अगर आप इसको अगर आप वैसे बाइंग करते हैं, आप ऑनलाइन पे रेट देखेंगे या गूगल पे वगैरह पे रेट करेंगे, तो आपको ये मिलेगा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का, पर हम आपको यहाँ दे देंगे 55 हज़ार रुपये। 55 हज़ार रुपये में यही कि आप कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा डेल का कोई हमें दिखाएं आप कोई पीस। ये कौन सा है? कोर i3 7 जनरेशन का लैपटॉप है, 15.6 इसका स्क्रीन साइज़ है, डेल कंपनी और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पीस है। अच्छा, और इसकी रैम, इसकी हार्ड ड्राइव, इसकी डिस्प्ले? 2.4 GHz का प्रोसेसर है इसमें, 8 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव है। 15.6 इसका स्क्रीन साइज़ है और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पीस। इसमें ये तो इशू नहीं आता कि जब स्टूडेंट वगैरह काम वगैरह कर रहे होते हैं चलते चलते हैंग हो जाते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कराएं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या इसको थोड़ा लोड डालें तो ये हैंग करने लग जाता है और नॉट रिस्पॉन्ड नहीं रहता, ये तो इशू नहीं है इसके अंदर कहीं? ये हम लोग 100% चेक करके रखते हैं, बैटरी बैकअप वगैरह इसमें विंडोज़ वगैरह सब इंस्टॉल करते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग 10 से 15 डेज कंप्लीट चेकिंग वारंटी देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम रिप्लेस करके देते हैं। इसका बैटरी बैकअप कितना है? अप्रॉक्स इसका बैटरी बैकअप 1.5 से 2 घंटा इजीली होता है। हम लोग जो क्लाइंट को वारंटी देते हैं वो 1 घंटे की देते हैं, मैक्सिमम 1 आवर 1 घंटे की, उससे ज़्यादा ही है। 1.5 से 2 घंटा देता है। इसके क्या रेट बताएं आपने? इसका ब्रदर 50,000 का रेट है। वैसे जो प्राइस इसका 52-53 का, लेकिन फाइनल हम क्लाइंट को 50,000 में कर देते हैं। ये 50,000 रुपये में, इसमें कोई कमी बेशी करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगी। जो कोई हमारे तवसल से ये वीडियो देखकर आए आपके पास और आपकी दुकान का, क्योंकि एड्रेस चलेगा यहाँ, और आपसे बोले कि भाई हमारे रेट वगैरह, तो करेंगे रेट जो रीज़नेबल प्राइस होगा इंशाल्लाह कर देंगे। आपके पास ये आपने कौन सी जनरेशन बताई थी मेरे को? i3 7 जनरेशन है। अच्छा, i3 7 जनरेशन। और इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांड के लैपटॉप हैं आपके पास? थोड़ी नीचे की, मतलब ये कि लो कैटेगरी में है, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन वो सारे अवेलेबल। लेटेस्ट मॉडल है और बहुत कामयाब मॉडल है, मतलब रेगुलर जो चलने वाला मॉडल है ये वो है। इसका मॉडल है डेल लैटिट्यूड E6430। तो ये कोर i5 3rd जनरेशन के अंदर मिल जाएगा, 9 सेल बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, बिल्कुल साफ़ सुथरे फ्रेश पीस हैं। ये आपको आपके चैनल के तवस्सुल से मिल जाएगा 22,000 रुपये का। 22,000 का। वैसे इसकी जो मार्केट प्राइस है, अगर आप इसको OLX पे चेक करेंगे या ऑनलाइन जितने भी चेक करेंगे, तो तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये की इसकी रीसेल है। मगर इसकी रैम और हार्ड ड्राइव कितनी है? 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड ड्राइव है, 14.0 LED स्क्रीन है, वेबकैम इसके अंदर है, बैटरी बैकअप, DVD, वाईफाई, ब्लूटूथ सारी चीज़ें होती है, साथ में हम चार्जर भी देते हैं। अच्छा, इसकी आपने 22,000 रुपये बताएं। अच्छा, तो इसमें रेट, इसके भी रेट में कोई कमी बेशी होगी या नहीं? चैनल के मतलब जो भी व्यू देख के आएंगे ये वीडियो देख के, तो उनके लिए 22,000 रुपये। वैसे हमें अभी इस वक्त मार्केट के अंदर भी 25,000 रुपये की इसको रिटेल कर। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप कितना है? देखें, बैटरी बैकअप वगैरह हम सारी चीज़ें चेक करके रखते हैं। ये 2 घंटे का इसके ऊपर चेक हुआ हुआ है कि बैटरी बैकअप है। हम वारंटी देते हैं अपनी कस्टमर को सारी 100% कि बैटरी बैकअप कम से कम भी 2 घंटे हम देते हैं, पर 2 घंटों से ज़्यादा ही चलता है, प्लस ही होता है। सारी चीज़ें हम चेक करके रखते हैं। कोई भी मशीन आपको प्रॉब्लम में नहीं मिलेगी, कोई ख़राब नहीं मिलेगी, हैंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 90% हम कस्टमर को यहाँ पे लैपटॉप चेक करा के देते हैं, उसके बाद भी हम तकरीबन 10 से 15 दिन की चेकिंग वारंटी देते हैं, जिसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई भी मसला होता है तो हम पीस चेंज करके देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जब कस्टमर आता है तो वो कौन सी ब्रांड प्रीफर करता है? HP, डेल, लिनोवो, तोशिबा वगैरह, इनमें से कौन सी ज़्यादातर? पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन ये डेल और
और HP ज़्यादा चलता है वो इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई टूट जाए, जल जाए, गिर जाए तो आपको इसके पार्ट्स ईजी मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा तोशिबा भी हैं, एसर भी हैं और भी अदर जितने भी ब्रांड के लैपटॉप हैं वो भी अच्छे हैं, उनके पार्ट्स भी मिल जाते हैं, बट डेल और HP आपको ज़्यादा ईजिली पार्ट्स मिल जाते हैं इसलिए डेल HP ज़्यादा चलता है। आपके पास कौन कौन सी ब्रांड के लैपटॉप हैं? मेरे पास HP, डेल, लेनोवो। बस कौन सी सीरीज तक लैपटॉप अवेलेबल हैं? हमारे पास सर फर्स्ट जनरेशन से लेके 7-8 जनरेशन तक लैपटॉप अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट से लेके 7-8। अच्छा, कोई आप कोराई 5-7 जनरेशन में कोई पीस दिखाया हमें डेल में? हाँ। अच्छा, ये कौन सा लैपटॉप है आपके पास? ये डेल का है 7480 i5 की 7 जनरेशन है। इसमें RGB रैम है और 256 M2 SSD लगी हुई है। इसका बैक साइड दिखाएं। जो एक से लेटेस्ट चल रही है ना M2 वही लगी हुई है, ये देखें 7480। ये कितने इंच की LCD है इसकी? इसकी डिस्प्ले साइज़ है 14। 14 इंच? जी, स्टैंडर्ड जो चलता है 14 ही चलता है। जैसे अगर कस्टमर, मतलब कि अगर स्टूडेंट है वो अगर रेगुलर कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेली आउटबैग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 14 स्टैंडर्ड सही होता है ये। यानी कि आराम से बैग वैग में भी आ जाएगा और यानी कि लाइट भी है ये। अच्छा, इसकी क्या रेट है? ये 55 की मशीन है सर, 55,000 रुपये की। कौन सा मॉडल है ये? ये 7480 i5 की 7 जनरेशन है। i5 7 जनरेशन, तो आपने इसके 55,000 रुपये बताए हैं, तो अच्छा इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है यानी? ये इस पे शेयर्ड पे लगा हुआ है, तकरीबन 2 GB 2.5 GB शो करेगा। डेडिकेटेड ग्राफिक इसमें नहीं है फिलहाल अभी। हाँ, कोई काफ़ी मशीन आती हैं डेडिकेटेड भी आती हैं जिसमें आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी वो किस्मत ही आती हैं, मतलब बहुत कम आती हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर लोड डाला तो ये हैंग होने लग गया या नॉट रिस्पॉन्डिंग वगैरह का जो केसेस आते हैं, ये तो उसमें इसके मामला नहीं है इसमें कहीं? नहीं नहीं, वो नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी जनरेशन है, i5 की 7 जनरेशन है। इसमें रैम भी लगा हुआ है 8 GB DDR4 का, और प्लस में SSD भी लगी M2 जो चिप आजकल लेटेस्ट आ रही है वो इसमें लगी हुई है। इसमें कमी बेशी करेंगे या बाटा रेट है? सर होगा, जो भी होगा डिस्काउंट कर देंगे, मसला नहीं है। अलावा HP में आप जो दूसरी मशीन बोल रहे थे वो दिखाएं। अच्छा, ये कौन सी मशीन है आपके पास? ये i5 की 6 जनरेशन है, इसमें भी 8 GB रैम है, 256 SSD लगी हुई है, M2 वाली। ये भी 14 इंच का डिस्प्ले? नहीं सर, ये 12.5 इंच का डिस्प्ले है इसमें। अच्छा, इसके क्या रेट बताएं आपने? ये आपको पड़ेगा 43 का सर, 43,000 रुपये का 43 का। अच्छा, इसकी यानी कि ये आपने कौन सी जनरेशन बताई? ये i5 की 6 जनरेशन है। i5 6 जनरेशन। अच्छा, तो इसमें कमी पेशी होगी या नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल कमी पेशी हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जैसे अगर कोई हमारी वीडियो देखकर आता है आपके पास लेने के लिए और हवाला देता है कि भाई हम आपकी वीडियो देखकर आए हैं पर्सनल, क्योंकि आपकी दुकान का एड्रेस भी चलेगा स्क्रीन पे, तो उनके साथ कोई रियायत वगैरह करेंगे? जी बिल्कुल रियायत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास HP हो गया, डेल हो गया, और कौन कौन से ब्रांड के होते हैं लैपटॉप? और मेरे पास लेनोवो पड़े हुए हैं 2nd-3rd जनरेशन में, अभी 3rd जनरेशन। यानी कि ज़्यादातर कस्टमर यही प्रीफर करते हैं, ये वाले डेल और HP? जी बिल्कुल, HP डेल ही प्रेफर करता है क्योंकि स्लिम है और प्लस में ये बॉडी लुक भी अच्छा है इसका, इस वजह से HP डेल ही लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा। आपके पास कौन कौन से लैपटॉप और कौन कौन सी ब्रांड के और कौन कौन सी जनरेशन के लैपटॉप अवेलेबल हैं? आप जो है फर्स्ट जनरेशन लेके 9-10 जनरेशन तक है मेरे पास शॉप पे ना, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी फर्स्ट से लेके 9 लेके 9 तक। और यानी कि कौन कौन सी ब्रांड के हैं? डेल, HP, लेनोवो, तोशिबा। अच्छा, ज़्यादातर कौन सी ब्रांड लोग यानी कि प्रेफर करते हैं? हमारे यहाँ जो चलते हैं ज़्यादातर डेल और HP चलते हैं। परफॉर्मेंस जो है वो तोशिबा की, वो लेनोवो की अच्छी होती है अगर कंपेयर करो आप डेल और HP से। अच्छा, आप कोई एक सैंपल दिखा सकते हैं हमें, जैसे कि डेल का और कोर i5 5th जनरेशन? तो ये कितने इंच की LED है? इसमें 14 इंच की LCD है और 4 GB की इसमें रैम होती है, 8 GB भी आती है इसमें, दोनों रैमें आती हैं, 8 GB 4 GB दोनों लगी हुई होती हैं, और 250 GB 500 GB इसमें हार्ड ड्राइव, और स्लिम और लाइट वेट में स्लिम और लाइट वेट में कलर भी अच्छा है, ब्लैक कलर में। इसकी बैक साइड दिखाएं। बैक साइड इसकी ये है, फ्रंट इसका ये है। अच्छा, इसके क्या रेट हैं? इसके रेट हैं ये आपको पड़ेगा 55,000 का, 55,000 का 55,000 रुपये का, 55,000 रुपये का कोर i5। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो 8 GB और 512 SSD है, इसीलिए महंगा है। अगर स्पेसिफिकेशन कम कर लेंगे तो रेट ऑब्वियसली जो वो कम हो जाएगा। अच्छा, वो तो अपने ऊपर होती है, SSD मर्जी लगा लें, हार्ड ड्राइव मर्जी अपन कितनी कम कर लें। अच्छा, रैम कितनी GB बताई आपने? इसमें 8 GB है, 8 GB रैम और हार्ड SSD 500 GB इसमें SSD लगी हुई है। और इसके आपने रेट बताया 55,000 रुपये, तो कमी पेशी होगी या नहीं? बिल्कुल हो जाती है कस्टमर के लिए, कमी पेशी हो जाती है। और फिर कस्टमर को अगर इसमें रेट कम इसलिए हो जाता है कि अगर आगे पीछे कुछ करना हो तो वो भी इसमें हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये डेल का था, कोई हमें HP में दिखाएं अगर आपके पास है? मेरे पास या लिनोवो में, लिनोवो 3rd जनरेशन है जी। अच्छा, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? 4 GB होती है और 500 GB है, 4 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव जी। ये कितने इंच की LED है? ये 15 इंच की है।
15 इंच की एलईडी, तो इसके क्या रेट हैं? 23,000। इसको खोलिएगा दिखाइएगा, तो ये नाजरीन 23,000 रुपए बताएं आप। 23,000 रुपए। और कोर आई 5 थर्ड जनरेशन है लेनोवो का, और इसमें 9 सेल बैटरी लगी हुई है। बैटरी का बैकअप इसका अच्छा होता है। अच्छा, बैकअप कितना है इसका? कम से कम इसका 3.5 से 4 घंटा है यार। ये होता तो नहीं है क्योंकि कम से कम अगर 6 सेल होगी तो उसका बैकअप कम हो जाएगा। इसके अंदर 9 सेल लगे हैं, सेल लगी हुई है। इंटरनेट पे जो इसका बैकअप थोड़ा कम होता है, बाकी नॉर्मल वर्किंग पे इतना बैकअप निकाल देती है आराम से ना। अच्छा, और इसके आपने 33,000 रुपये बताए। 23,000 23,000 भी कमी बेशी हो जाएगी। हाँ, वो हो जाती है। और आपके पास लिनोवो हो गया, डेल हो गया, एचपी, और कौन कौन से ब्रांड के होते हैं? एचपी हो गया, तोशिबा हो गया। अभी जो है मेरे पास डेल एचपी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में, तोशिबा रखा हुआ ये रहा। अच्छा। ये i3 सेकंड जनरेशन है। i3 सेकंड जनरेशन जी। इसकी क्या रेट है? ये मिलेगा आपको 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का। स्पेसिफिकेशन 4GB 250GB 4GB 250GB। स्टैंडर्ड जो होती है वो 4GB 250GB होती है, बाकी बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, दोनों चीज़ें।